नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नरेंद्र क्लासेज हिंदी में। आज हम बात करेंगे किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र निकालना, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए हमने एक यहाँ पे विद्युतीय द्विध्रुव लिया है। आप देख सकते हैं ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पे माइनस क्यू आवेश है, बी बिंदु पे प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, द्विध्रुव का केंद्र ओ है। 2L को देखिए, हम यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एल है और यहां से लेकर यहां तक L है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमको अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, तो अक्ष जो होगा इन दोनों आवेशों से गुजरने वाला सरल रेखा होगा। और इसी अक्ष पर देख सकते हैं, इस अक्ष पर ही हम एक बिंदु लेते हैं यहाँ पे P बिंदु, और यह P बिंदु जो है द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर है। और इसी अक्षीय स्थिति के बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोगों को निकालना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह दूरी जो है R है, यह दूरी L है, तो यह दूरी हो जाएगा R माइनस L। एक चीज और आप यहां पर देख सकते हैं कि यह दूरी R है, यह दूरी L है, तो यह टोटल दूरी हो जाएगा R प्लस L। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा फॉर्मेलिटी कर लिया, हम लोगों ने द्विध्रुव भी ले लिया, अक्षीय स्थिति का बिंदु P भी ले लिया, और बाकी जो दूरी वगैरह है वो सब भी हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे। तो देख सकते हैं आप, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आप पढ़े हैं दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण Q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, इन्हीं दोनों के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द्विध्रुव में दो आवेश है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और इन दोनों आवेशों के सिस्टम के कारण इस पी बिंदु अक्षीय स्थिति के बिंदु पी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम लोग बारी बारी से पहले माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे, और उस दोनों आवेशों के सिस्टम के लिए निकालने के लिए उन दोनों तीव्रताओं को यहाँ पर सदिश रूप में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकालने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस क्यू है और फिर प्लस क्यू है, दोनों के कारण तीव्रता निकालना है। तो माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता होगा उसको हम लोग E1 से डिनोट करेंगे, और प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर की तीव्रता को E2 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे E1 बराबर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको साइड में एक बात बता दूं कि हमने आपको पहले से सिखाया हुआ है, आप पढ़े हैं कि किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी के बिंदु पर ई बराबर 1/4πε0 q/r². अगर q आवेश है, r दूरी पर तीव्रता निकालना है, तो फॉर्मूला है 1/4πε0 q/r². एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप पढ़े हैं कि प्लस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और माइनस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, इन दोनों कंसेप्ट का भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं q आवेश के कारण ऐसा है और यहाँ पर हम लोग को माइनस q आवेश के कारण निकालना है p बिंदु पे। तो देखिए माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी देख सकते हैं आप कितनी है, आर प्लस एल। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 q/r + l का होल स्क्वायर, चाहे तीव्रता पॉजिटिव आवेश के कारण निकाले चाहे निगेटिव आवेश के कारण। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव के अनुसार जो है तीव्रता की दिशा बदल जाएगी, परिमाण में कभी भी निगेटिव पॉजिटिव लिखना नहीं है। तो आप जानते हैं चूंकि यह तीव्रता E1 जो तीव्रता है ऋण आवेश के कारण है, और ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता होती है अंदर की ओर होती है,
तो इस पी बिंदु पर से, इस ऋण आवेश माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर से अंदर की ओर क्या होगा, देख सकते हैं पी से ए की ओर, यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं पी से ए की ओर, ब्रैकेट में लिख दिए अंदर की ओर, इसको हम लोगों ने सेकेंड मान लिया। अब हम लोग उधर स्पेस बना रहे हैं, फिर आगे लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, तो यहां पे हम लिख रहे हैं प्लस क्यू आवेश E2 is equal to, आप देख सकते हैं E2 जो है प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पे, तो बताइए प्लस क्यू से P बिंदु की दूरी आप देख सकते हैं कितनी दूरी है यहाँ पे R माइनस L, तो E2 is equal to हो जाएगा 1/4πε0Q/R-L² आप जानते हैं कि धन आवेश के कारण यहाँ पर जो तीव्रता E2 है वो बाहर की ओर होगा, और बाहर की ओर होगा यानी कि E2 हमने बाहर की ओर दिखा दिया, और इससे पहले ऋण आवेश के कारण जो P बिंदु पर की तीव्रता थी E1 जो कि अंदर की ओर, यहाँ पे हमने E1 लिख दिया, तो E2 बाहर की ओर है, E2 बाहर की ओर आप देख सकते हैं प्लस Q के कारण P बिंदु पर बाहर की ओर किधर हो जाएगा B से P, ऐसे देखिए यहां से B से P की ओर, P की ओर यानी कि बाहर की ओर, और इसको हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि द्विध्रुव में दो आवेश है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो है E1 है, और प्लस क्यू के कारण तीव्रता जो है E2 है, तब जबकि माइनस क्यू के कारण तीव्रता E1 जो है आप देख सकते हैं अंदर की ओर है, और प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता E2 जो है वो बाहर की ओर है, यानी दोनों तीव्रताएं जो है विपरीत दिशाओं में है। मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो उसका नेट निकालने का तरीका है कि बड़े वाले वेक्टर में से हम लोग छोटे वाले वेक्टर को घटा लेते हैं, और उसका डायरेक्शन जो है बड़े वाले वेक्टर की ओर होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 7 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, 10 की ओर मूव करेगा, कितने के फोर्स से, तो 10-7, लेकिन इधर 10 लगता और इधर अगर 13 न्यूटन का फोर्स लगता तो ये ऑब्जेक्ट 13 की ओर जाता, कितने के फोर्स से, 13-10 से। तो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर लग रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को घटाएंगे और डायरेक्शन जो है बड़े वाले वेक्टर की ओर होगा। तो आप E2 और E1 में देख सकते हैं कौन बड़ा है, यहाँ पे हर में देख सकते हैं R+L² है, और यहाँ पे हर में R-L² जिसका हर छोटा होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है, तो R-L है ये छोटा हर है, इसलिए E2 बड़ा होगा और E1 छोटा, तो इसलिए हम लोग P बिंदु पर का तीव्रता, कुल तीव्रता माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण नहीं, बल्कि पूरे द्विध्रुव के कारण, दोनों आवेशों का जो सिस्टम द्विध्रुव है उसके कारण P बिंदु पर का नेट तीव्रता निकालने के लिए हम लोग E2 में से E1 को घटाएंगे, और उसकी दिशा जो है E2 के दिशा में होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र E is equal to होगा E2-E1, और दिशा किधर की ओर होगी, इसकी बाहर की ओर, यानी E2 के दिशा में। आप देख सकते हैं E2 का वैल्यू 1/3 से 4πε0Q/R-L² - 1/4πε0Q/R+L
होल स्क्वायर। अब देखिए इधर हम लोग P इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन हो जाएगा Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन होगा Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर बचेगा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहां पर बचेगा 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए एलसीएम निकालने के लिए दोनों को सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर माइनस एल और आर प्लस एल का मल्टीप्लिकेशन जो है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा और उस पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप जब इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आएगा, फिर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर उसी तरह से R प्लस L के होल स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर आएगा, जिसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पे उतना ही यहाँ पे। अब फिर हम लोग इससे आगे आप देख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे हम इसको स्क्वायर करेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर से, R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर हो जाएगा और ये R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, वैसे भी बन जाता। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। फिर हम लोग लिखेंगे, देख सकते हैं आप Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां पे आप देख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर, फिर माइनस एल स्क्वायर और फिर माइनस माइनस, आप देख सकते हैं दोनों माइनस मिलके यहाँ पे प्लस 2RL। तो ये प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल और ये प्लस 2RL प्लस 2RL हो जाएगा 4RL। तो फिर हम इधर स्पेस क्लियर करके फिर यहाँ पे लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2RL 2RL 4RL by R square minus L square का whole square। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught और यहाँ पे Q I into 2L I into 2R by R square minus L square का whole square। आप देख सकते हैं 4RL को हम 2L into 2R लिख सकते हैं और इस Q को हमने यहाँ पे लिख दिया। Q into 2L को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसको P से सूचित करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, P into 2R by R square minus L square का whole square। अब इसके बाद हम लोग उधर आगे बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं उधर हम लोग लिखेंगे 1 by 4 pi epsilon naught 2PR by R square minus L square का whole square। और यही हो गया किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक हो गया 1 by 4 pi epsilon naught 2PR by R square minus L square का whole square। एक चीज यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, आप देख सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच का दूरी 2L जो है बहुत ही छोटा दूरी होता है,
बहुत ही अल्प दूरी होता है। यदि आर का मान एल से बहुत बड़ा हो वैसी स्थिति में आप देख सकते हैं, यदि आर जो हो बहुत बहुत बड़ा हो एल से, तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं आर स्क्वायर और भी बड़ा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। और वैसी स्थिति में हम लोग आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि एल स्क्वायर को इसमें हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही छोटा है। तब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ऊपर में 2πr और नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर पे पावर 2। तो ये इक्वल में हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 2πr और यहाँ पे r के पावर 4। इस r टू द पावर 4 को हम लोग r इंटू आर टू द पावर 3 लिख सकते हैं, r इंटू आर टू द पावर 3। आप देख सकते हैं r r कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बचेगा फाइनल, E इज इक्वल टू 1/4 पाई चैलन नॉट 2π/r³। यह भी किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक है। तो हम लोग व्यंजक तो निकाल चुके हैं, अब मैं आपको इसका सदिश रूप लिखकर दिखाऊंगा वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर P बिंदु पर जो द्विध्रुव के कारण तीव्रता है वो बाहर की ओर है, बाहर की ओर तीव्रता है यहाँ पे E। और आप यहाँ पर जानते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, पी जो होता है वेक्टर पी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और तीव्रता भी इस दिशा में, यानी दोनों एक ही दिशा में है। तो इसलिए अगर आप E को सदिश रूप में लिखना चाह रहे हैं तो सीधे P पर वेक्टर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, अगर विपरीत दिशा में होता तो माइनस लगा के वेक्टर देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तीव्रता भी इस तरफ है, इस दिशा में है, और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है तो वो भी उसी दिशा में है। इसलिए सीधे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जब E पर वेक्टर देंगे तो सीधे P पर वेक्टर दे देंगे, तो वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε₀ 2 वेक्टर P बाई आर क्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका सदिश रूप भी लिख दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।